आगे बढ़ेंगे, जहां आज स्ट्रीट वेंडर्स को भी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण का वितरण सीएम शिवराज आज करेंगे। मिंटो हॉल में दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम होगा, जिसमें 20,000 हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जाएगा। 10,000 का ब्याज मुक्त ऋण सीएम शिवराज आज देंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से संवाद भी किया जाएगा और आज 10,000 रुपए के ब्याज मुक्त ऋण सीएम शिवराज 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स को वितरित करेंगे। तो वर्चुअली ये कार्यक्रम होगा दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, स्ट्रीट वेंडर्स को आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं। बिल्कुल, जो है एक बहुत बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको देने जा रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे राजधानी भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और ऋण मुक्त जो कर्ज होता है वो दिया जाएगा, उनके खाते तक वो राशि पहुंचाई जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी है, हालांकि कोरोना की वैक्सीन अभी नहीं आई है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा दिन तक आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ ही भारत एक बहुत बड़ा देश है। 1,35,00,000 के लगभग मध्य प्रदेश पूरे देश की आबादी है। ऐसे में कई जो लोग हैं वो गरीब भी हैं, जो रोजाना खाते हैं और कमाते हैं। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चालू की गई थी, उसके तहत मध्य प्रदेश अग्रणी रास्ता जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में राशि पहुंचा रहा था, कर्ज की राशि पहुंचा रहा था। तो जो राशि जो लोग बच गए थे, जिनके जो प्रकरण हैं वो लंबित थे, किन्हीं कारणों से वो प्रकरण पूरे नहीं हो पा रहे, तो अब वो प्रकरण पर मंजूरी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। तो उन जो व्यक्ति हैं जो कि पहले रह गए थे और हाल ही में उनके प्रकरण मंजूर हुए हैं, उनके खाते में आज 10,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यही कह रहे हैं कि कोरोना के चलते जो नुकसान हुआ है, जो वक्त जाया हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम कोरोना काल से उबरने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो उन्हीं कोशिशों के चलते सरकारों के द्वारा जो योजना लागू की जा रही है, उन योजनाओं का जो फायदा है वो गरीब वेंडर्स को मिले, उनके खाते तक वो राशि पहुंचे, इसलिए आज 3 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में राशि को पहुंचाएंगे। बिल्कुल, वर्चुअली ये संवाद होगा वैभव जी, इस दौरान हितग्राहियों से बातचीत भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो इस बातचीत में क्या कुछ प्रमुख बिंदु हो सकते हैं, क्या चर्चा मुख्यमंत्री इस दौरान कर सकते हैं हितग्राहियों से? जय, हमने पहले देखा था कि पीएम मोदी के द्वारा भी मध्य प्रदेश के कुछ लोगों से संवाद किया गया था। ये वो लोग थे, ये वो वेंडर्स थे जिन्हें केंद्र सरकार की जो स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत जो ऋण दिया गया था उसका फायदा लेकर किसी ने सब्जी की दुकान खोली, किसी ने चाट समोसे की दुकान खोली, तो किसी ने चाय की दुकान खोली। ऐसे लोगों से पीएम मोदी ने भी संवाद किया था। पीएम मोदी ने भी यही बात की थी कि 10,000 रुपए का लोन लेने के लिए आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया। अब क्योंकि कोरोना काल के दौरान भी कई तरह की चीज़ों को आपने सीखा है, अब भविष्य में ऐसी परिस्थितियां ना बने उससे आप कैसे पार पाएंगे और किस तरह से अपने व्यापार को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको परेशान ना होना पड़े। क्या किसी अधिकारी के द्वारा, किसी बैंक अधिकारी के द्वारा, सरकारी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा रिश्वत मांगी गई, तो ऐसे और क्या नवाचार आप करने जा रहे हैं? क्योंकि आपको वक्त मिला, 5 से 6 महीने आप घर में रहे, लॉकडाउन था, आप कुछ नहीं कर पाए, तो क्या नवाचार करने का सोचा है? और कई तरह हमने पीएम मोदी को सुना, पीएम मोदी से जो लोग संवाद कर रहे थे उनको भी हमने सुना था कि बता रहे थे कि अब खेती करने का नया तरीका उन्होंने सीखा है। एक जो किसान थे उन्होंने चाय को लेकर भी बात की कि चाय को लेकर वो फ्लेवर्स लेके आए हैं, नई क्वालिटी की चाय देंगे ताकि लोगों को, और कई लोगों ने तो जो घर तक सामान पहुंचाने वाली बात भी पीएम मोदी को बताई थी, जिससे पीएम मोदी बेहद खुश नजर आए थे। तो आज जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर से संवाद करेंगे तो शायद कुछ यही प्रमुख बिंदु रहेंगे कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं आई और अब इस राशि का वो किस तरह से उपयोग करने वाले हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में गरीब जनता के विकास के लिए, किसानों के लिए कई जनहितैषी योजनाएं लगातार संचालित हो रही हैं। ऐसी योजनाओं का फायदा ग्रामीणों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्या वो योजना केवल कागजों में चल रही है, तो इस बात की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश भी वर्चुअली तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसके जरिए करने
बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास वैभव जी, बने रहिएगा। लेकिन आज स्ट्रीट वेंडर्स को करीब 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स जिनको सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी भी राज्य शासन देती है, स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगती है, और कोई भी 18 से 55 साल तक का जो शख्स है आयु का ग्रामीण पथ व्यवसायी इस योजना का लाभ ले सकता है। और इसी योजना के तहत आज स्ट्रीट वेंडर्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्याज मुक्त ऋण देने जा रहे हैं।